Now we will discuss vitamin C. Vitamin C is also a water soluble vitamin. हमने पहले डिस्कस किया था कि विटामिन्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स. एक तो विटामिन बी ग्रुप, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स को डिस्कस किया, थायमिन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड. नाउ टुडे वी विल डिस्कस विटामिन सी, जो कि एक अलग समूह है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन सी तो शायद सभी जानते होंगे कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, ज्यादातर खट्टे फ्रूट्स में, जिससे कि हम बोलते हैं कि आंवला है, संतरे हैं, नींबू है, इनमें विटामिन सी पाया जाता है. और मेरे ख्याल में सभी को इसकी नॉलेज होगी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, यानी कि दांतों की बीमारी होती है. तो यदि हम इसके इतिहास की ओर जाएं, तो इतिहास में हम देखें तो 1753 में लिंड, डॉक्टर लिंड थे, उन्होंने ये देखा कि जब कुछ उनके जो साथ में लोग थे, कुछ कैदियों पर उन्होंने स्टडी की, तो ये पाया कि उनको दांतों का रोग हो गया है, स्कर्वी रोग हो गया है. उन्होंने फिर उनको संतरे और नींबू भोजन में दिए. जब संतरे और नींबू जब भोजन में सम्मिलित किए गए तो थोड़े दिन में उनका वो रोग ठीक हो गया. तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि स्कर्वी रोग के लिए खट्टी चीज की आवश्यकता होती है. उसके बाद 1928 में ग्योर्गी ने संतरों पे स्टडी की, ऑरेंजेस पे, और उस पे एक तत्व पाया और उस तत्व को उन्होंने हेक्सोरोनिक एसिड नाम दिया. उन्होंने कहा ये हेक्सोरोनिक एसिड की वजह से जो लोगों में जो दांतों की बीमारी है, स्कर्वी रोग है, वो ठीक हो जाता है. उसके बाद 1932 में लॉफ एंड किंग ने उन्होंने स्टडी की और उन्होंने नींबू पे स्टडी की और ये पाया कि नींबू में एक ऐसा तत्व है जो कि स्कर्वी रोग के लिए बहुत हेल्पफुल है. उन्होंने उसको नाम दिया विटामिन सी. बाद में ये पता चला कि हेक्सोरोनिक एंड विटामिन सी बोथ आर सेम और इसको फिर नाम दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड. दैट मींस हम विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं. तो इस तरह से विटामिन सी की खोज की गई. अब हम देखें तो विटामिन सी की रासायनिक रचना और विशेषताएं क्या है. विटामिन सी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है. पहला है एल एस्कॉर्बिक एसिड. एल एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, जिसका फॉर्मूला है C6H8O6, इसका ऑक्सीकरण जब हो जाता है, जब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो एक दूसरे प्रकार का विटामिन बनता है जिसको डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं. तो इस तरह हम देखेंगे कि एक ऑक्सीकरण से पहले का होता है, एक ऑक्सीकरण के बाद का होता है. अब इसकी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो ये सफेद रंग का दिखाई देता है, रवेदार सा दिखाई देता है, यानी कि इसको अगर देखें तो ये सफेद रंग का आपको व्हाइट कलरिश दिखाई देगा. इसका कोई गंध नहीं होता, नो ऑडर, और पानी में घुलनशील है. दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है. ऊष्मा और सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाता है. दैट मीन्स व्हेनेवर वी कुक, अगर हम कोई ऐसा भोजन बनाते हैं जिसमें विटामिन सी बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, तो वो कुकिंग करने से करीब करीब नष्ट हो जाता है. अब हम ये देखें तो जो विटामिन सी युक्त जो भोजन है उनको अगर हवा में खुला रखा जाए तो आपने देखा होगा कि उनका रंग बदल जाता है, वो काला पड़ जाता है. दैट मीन्स इसका ऑक्सीकरण हो जाता है. जब इसको खुली हवा में रखते हैं तो इसका रंग काला पड़ जाता है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है. अब देखें तो ये कहाँ से प्राप्त होता है. प्राप्ति का जो इसका सबसे उत्तम स्रोत है, दैट इज आंवला. ऐसा बोलते हैं एक आंवला प्रतिदिन खाएंगे तो आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी, ठीक है. इसके अलावा अमरूद, अमरूद में बहुत विटामिन सी होता है. नींबू जो है एक रिच सोर्स है विटामिन सी का. देन संतरा, ऑरेंज, ऑरेंज का बहुत इसमें अच्छा इफेक्ट होता है. अनानास यानी कि पाइनएप्पल, आम, पपीता, टमाटर, पत्तेदार सब्जियों में भी ये पाया जाता है. दालों में भी होता है विटामिन सी, अगर हम अंकुरित करके खाएं अनाज तो उसमें भी पाया जाएगा. फिर केला है, सेब है, यानी कि मैक्सिमम अगर हम इसको देखें तो जो खट्टे फ्रूट्स हैं जिनमें खटास होती है, जैसे कि अमरूद है, आंवला है, संतरा है, हमारा ये जो अनानास है, पाइनएप्पल जिसे हम कहते हैं, तो इनमें ये काफी मात्रा में पाया जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं, व्हाट आर इट्स फंक्शंस. तो पहला इसका कार्य है, यह कोलेजन का निर्माण करता है. कोलेजन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है. कोलेजन इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. अगर हम देखें तो कोलेजन जो है ये एक अंतर कोशिकीय पदार्थ जो होता है
उनमें पाया जाता है अंतःकोशिकीय पदार्थों में। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जो लंबी अस्थियां हैं मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं, तो वहां पे भी कोलेजन पाया जाता है। दांतों के अंदर मसूड़ों में कोलेजन पाया जाता है, हमारी रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है। तो ये कोलेजन का निर्माण करता है, दांत व मसूड़ों को मजबूती देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी की कमी से सबसे ज्यादा इफेक्ट दांतों और मसूड़ों में आता है, जिसको हमने डिस्कस किया है कि स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों से खून आने लगता है। तो दांतों और मसूड़ों को विटामिन सी मजबूती देता है, लाल रक्त कणिकाओं को परिपक्व करता है, यानी कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको परिपक्व करने में इसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट है। विटामिन बी जो है, विटामिन बी का जो फॉलिक एसिड था उसको ये फॉलिनिक एसिड में बदलता है। विटामिन सी जो है फॉलिक एसिड को फॉलिनिक एसिड में बदलता है और इससे हमारे रक्त का निर्माण होता है। दैट मीन्स ये रक्त के निर्माण में भी हेल्पफुल है। कैसे? ये किसके साथ एक्ट कर रहा है? विटामिन बी नाइन जो हमने डिस्कस किया था फॉलिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट करके फॉलिनिक एसिड बनाता है जो कि रक्त का निर्माण करता है। और उसके अलावा हमने जो अभी किया कि लाल रक्त कणिकाओं को ये परिपक्व करता है, यानी कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा बढ़ती है। देन फेरिक एसिड को फेरस में बदलता है, ये फेरिक एसिड जो है उसको फेरस में बदलता है, जिससे लोहा लवण अवशोषित होता है, जिससे कि आयरन का एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर अस्थि मज्जा का निर्माण करता है, अस्थि मज्जा का निर्माण करता है, यानी कि ये लाल रक्त कणिकाओं का भी निर्माण करता है, बोन मैरो का निर्माण करता है। संक्रामक रोगों के समय जब हमें कोई डिसीजेस हो जाती हैं, उस समय ये कोशिकाओं को नष्ट होने से भी बचाता है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिसीजेस। जब हमें कोई ऐसी डिसीज हो जाती है, कोई संक्रामक रोग हो जाता है, तो ये कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। फिर एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक है। व्हाट इज एड्रिनल ग्लैंड? एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, हमारी ग्रंथि होती है, अधिग्रह ग्रंथि, उसके ये हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक है, ठीक है। देन आंतरिक स्त्राव रोकता है, कई बार शरीर में जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको ये रोकने में बहुत अधिक सहायक होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये विटामिन सी के बहुत सारे कार्य होते हैं और इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत से रोग हो जाते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है, हम बहुत आसानी से कोई भी खट्टा फ्रूट, खासकर आंवला जो है, अगर प्रतिदिन उनका सेवन करते हैं तो हम काफी रोगों से बच सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस विटामिन सी के कार्य।